बिल्कुल सही है। अच्छा अब इन तीनों को बड़ी अलमारी में टांग दो और इन दोनों को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दो। जी ठीक वो भी ले जाओ। जी अरे आओ बेटा इधर आओ मेरे पास बैठो। क्या हुआ है अपसेट लग रही है मुझे? सुना है शादी एक जुआ होती है, लॉटरी के जैसे होती है, जिसका नंबर मैच हो जाए वो लकी होता है। और शायद ठीक भी हो, खेल होता है ना लोगों के लिए, पर इस खेल में अनफेयर मीन्स यूज करना बाज लोग बुरा नहीं समझते, है ना मम्मी? मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप, खुल के बोलो ना। हाथ पांव बन जाए ना मम्मी तो जबान का खुलना मजीद खराबियां पैदा करता है। और मैं अपने नए रिश्ते खराबियों के साथ नहीं खूबियों के साथ निभाना चाहती हूँ, यही कहना था आपसे कि मैंने बहुत खुलूस से दिल और नेक नियति से आप लोगों का हाथ थामा है और मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी आखिरी हद तक जाऊंगी। हमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो डर गई हूं मम्मी, जिनसे मोहब्बत हो जाए उनके चेहरे के पीछे छुपा चेहरा नजर आने से डर लगने लगता है। उस सजाब से आपसे मोहब्बत करने लगी हूं मैं, खुदा करे आपके असल चेहरे भी इतने ही दिलकश और खूबसूरत हों। मम्मी मुझे आपसे एक परमिशन लेनी थी। हाँ हाँ बेटा। मैं जमालपुर जाना चाहती हूँ इमाम साहब से मिलने, लेकिन मैं अकेले जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ as you wish। थैंक यू। इमाम साहब तमाम किताबें तरतीब से रख दी। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। शादी की बहुत मुबारकबाद मेरी बच्ची। बहुत शुक्रिया। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बहुत सारी दुआएं, नई ख्वाहिशात हैं तुम्हारे लिए। इमाम साहब मैं अमेरिका जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आज आपसे आकर मिल लूँ। आबाद रहो बेटा, खुश रहो, जीती रहो। ये क्या देख रहा हूँ मैं, मेरी बच्ची की आंखों में दुख का रंग नुमाया क्यों है? इमाम साहब झूठा फरेब के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती ना, और अगर झूठा फरेब के साथ साथ चलना पड़े
और वापस पलटना नामुमकिन आदमी से हूँ, फिर क्या करें? इंसान बड़ा नाशुक्रा है मेरी बच्ची, बहुत जल्दबाज है, ये फितरत है उसकी, बहुत जल्दी मायूस हो जाता है, उजलत में शिकायत करनी शुरू कर देता है। पर इस फितरत से लड़ने के लिए सबर, तहम्मुल, बर्दाश्त और नागवार चीजों को नजरअंदाज करने का हौसला, वो भी अल्लाह ने अता किया इंसान। तो ये दुआ और सब्र जो चीज है ना, ये हर मुसीबत का इलाज है। याद आए, ये तो आप हमेशा कहते हैं। इमाम साहब, एक बात बताऊं आपको, मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती। और वो ले जाने पे बजिद है? तो जाने का नहीं है इमाम साहब, तो उसके वादे से फिर जाने का है। एक वहम सा हो गया मुझे, जो अपनी बात से फिर गया है, जो अपनी बात से फिर सकता है, वो मोहब्बत से भी मुकर सकता है, वो वफा को भी झुटला सकता है ना माम साहब? मेरी बच्ची, हम तो अपने वादों के अमीन हैं। अपनी मोहब्बत की सरहदों की हिफाजत करते हैं। कोई मोहब्बत करे या ना करे, तुम मोहब्बत किए जाओ। और जो मोहब्बत करता है वो सौदेबाजी तो नहीं करता, वो तुम मोहब्बत किए जाओ अल्लाह से, इंसानों से, रिश्तों से, ताल्लुक से। कोई तुम्हारी मोहब्बत का जवाब दे या ना दे, लेकिन अल्लाह जरूर देगा। और मेरी बच्ची, जिसे अल्लाह का जवाब आ जाए, फिर उसे किसी की परवाह नहीं होती। मेरे रब्बे ज़ुल्जलाल, ऐ दिलों का हाल जानने वाले, नियतों का हाल समझने वाले, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं मेरे प्यारे रब, मेरी जिंदगी तो तेरी रजा पर चलने का नाम है, तो मुझे फिक्र कैसे और क्यों करो? जो तेरे आसरे पर चलता हो, उसे रास्तों की क्या परवाह, उसके रास्ते उसकी मंजिलें तो तूने तय करनी है इलाही। मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दे मेरे रब, तू ही जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। तो मेरी परमिशन के बगैर उसने आपसे पूछा और आपने उसको जाने दिया? भाभी, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, उसने मुझसे कुछ ऐसी बातें की हैं जिन्होंने मुझे चौंका भी दिया और डरा भी दिया। भाभी, मुझे लगता है उसने मेरी और तुम्हारी कोई बात सुन ली है। मेरे भाई, मैंने जो भी किया है उसको हासिल करने के लिए किया, और मुझे लगता है कि किसी भी लड़की को खुशी होनी चाहिए कि मुझे ऐसा लड़का उसके लिए इतना संजीदा हो रहा है। और तुम्हें भी उसकी कदर करनी चाहिए, उसने भी सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा, अपने माँ बाप, अपना घर, अपना मुल्क, यहाँ तक की अपनी पढ़ाई। मुझे उसका वहां जाना फिर भी पसंद नहीं है। उसका स्पेशल टीचर,
नहीं बात है मुझे उसको मना करने वाला हूँ उसे मिलने के लिए। Are you mad? ऐसी गलती कभी मत करना। इंसान कुछ मामलों में बहुत रिजिड होता है। दुआ का इमाम साहब के साथ जो अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है उसको कभी मत छेड़ना। बॉबी ये जो फेथ होता है ना कि माँ बाप घर बार मुल्क हत्ता की दुनिया से ज्यादा अजीज होता है। मुझे नहीं लगता है ऐसे इंसान की किसी भी जिंदगी में कोई जगह की जरूरत है। एक्सक्यूज मी मैम। अब देखिएगा मैं उसको अमेरिका जाके कैसे अपने रंग में रंगूंगा। फिर वो इमाम साहब की नहीं मेरी नजर से दुनिया को देखेगी। अल्लाह करे तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओ। बॉबी देयर समथिंग नॉट राइट। बहुत ही खामोश और गुमसुम लग रही है वो मुझे, जैसे खुद से खफा हूं। इट्स ऑलराइट मॉम, मुझ पे छोड़ दें आप। मैं जानता हूं उसे कैसे खुश करना है, कैसे मनाना है, कैसे बनाना है। बॉबी प्लीज वहां जाकर उसका बहुत ख्याल रखना। मुझे तुम्हारी तरफ से बहुत खदशा आते हैं। तुम तो किसी को हर्ट करने से पहले सोचते भी नहीं हो। और दुआ बहुत ही नाजुक और हसास लड़की है। मुझसे वादा करो अब तुम सिर्फ और सिर्फ उसके होके रहोगे। ऑफ कोर्स मॉम, अगर ऐसी बात ना होती तो तुम शादी क्यों करते हैं? मॉम मैं अपना पास खुद भूल चुका हूं। इंसान बड़ा नाशुक्र है मेरी बच्ची, ये फितरत है उसकी। बहुत जल्दी मायूस हो जाता है, उजलत में शिकायत करनी शुरू कर देता है। पर इस फितरत से लड़ने के लिए सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और नागवार चीजों को नजरअंदाज करने का हौसला वो भी अल्लाह ने अता किया इंसान। ये दुआ और सब्र जो चीज है ना, ये हर मुसीबत का इलाज है। इतना तो शिकवा खुद से है मुझको, मिलने से पहले जाना ना तुझको। सोचों से तेरी सोचे ना मिलना, तुझ संग यूं जीना माने ये। अभी दुआ को फोन करो ना, कहाँ रह गई है? तुम लोगों ने अभी अपनी पैकिंग भी नहीं शुरू की। मैं फेवरेट मौलवी साहब के पास गई है मॉम, आने में टाइम तो लगेगा। And listen, रमजान में उसका खास ख्याल रखना। वो जिस तरह भी इबादत करना चाहे उसकी राह में रुकावट मत बनना। सर बाहर कोई आपसे मिलने आए हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हें क्या लगा?
तुम अगर पाकिस्तान से अमेरिका नहीं आओगे तो क्या मैं नहीं आ सकती? हाँ के भी मैं तो सोचती हूँ कि तुम दुनिया के जिस जिस कोने में भी होगे ना, मैं उस कोने में पहुंच जाऊंगी, चाहे वो दुनिया का आखिरी कोना क्यों ना हो। और आप ही तुमसे कुछ छुपा नहीं सकती दाई, इसलिए तुमसे शेयर कर रही हूँ। और ये बात मैं खुद से भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बहुत ही अफसोस की बात है यार, एटलीस्ट शकीला आंटी से एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, मुस्तजाब तो एक वैसे ही लाओबाली किस्म का लापरवाह सा इंसान है, पर शकीला आंटी पर तो बहुत मान था, भरोसा था उन पर। लेकिन मुझे तो मुस्तजाब की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने ठेस पहुंचाई है। मोहब्बत का दावा मुझसे मुस्तजाब ने किया था, जिंदगी भर का साथ मैंने उससे जोड़ा है, मेरे भरोसे और एतमाद पर पूरा उतरना उसका फर्ज है। अगर मेरा लाइफ पार्टनर ही मुझे ऐसे चीट करेगा तो मैं उससे आगे क्या एक्सपेक्ट करूंगी दाई? फिर अब अगर तुम कोई भी एहतजाज करती हो या फिलहाल मुस्तजाब के साथ अमेरिका ना जाने का फैसला करती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। उनकी इस धोखेबाजी के बाद तो तुम्हारा हक है। नहीं दाई, जब मोहब्बत के नाम पर कुछ दान कर देते हैं ना तो उसे वापस नहीं लिया करते। अपने पर काट कर सजाब के कदमों में रख चुकी हूँ मैं, पता कर चुका है मुझे। अब उसके दिल की वो जाने, मुझे तो बस अपने दिल की सुननी है। और क्या कहता है तुम्हारा दिल? यही कि वो जो कहेगा जहां कहेगा तुम उसके साथ चली जाओगी? अपनी मोहब्बत को फरेब और धोखे का लिबादा पहना है उसकी मर्जी दाई, मैं अपनी वफा का चेहरा मस्क नहीं कर सकती। पता है मैंने अल्लाह से दुआ की है, अगर उसकी नियत खालिस नहीं है ना तो मैं उसके साथ जा ही ना सकूं। इमाम साहब ने कहा है हम कामिल यकीन वाले लोग हैं, ठोकर खाते भी हैं तो गिरते नहीं हैं, गिरने से पहले ही अल्लाह ताला हमारा हाथ थाम लेता है। बेशक सब ठीक है? कुछ नहीं है, वो यहाँ आ गई है पाकिस्तान। कौन? शिजा। शिजा कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। हम पिछले 2 साल से साथ हैं। What? Oh God! इन्हीं बातों का डर था मुझे, इन्हीं सब बातों का खौफ मेरे हिसाब पे सवार रहता था, ऐसी नहीं फिक्रमंद थी मैं तुम्हारे लिए। मैंने उससे शादी का वादा किया जरूर था, लेकिन मैं कभी भी उससे शादी का आत्मी फैसला नहीं कर सका। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे हर दफा फील होता था कि कोई चीज मुझे रोकती है, मुझे कुछ खींचता है अपनी तरफ। और जब आपने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि यहाँ पे कोई लड़की है जो आपने मेरे लिए देख रखी है, मेरे दिल ने मुझे इस बात की गवाही दी कि वही वो लड़की है जो मेरा पार्टनर बन सकती है, मैं उसको कभी अपना पार्टनर के तौर पे इमेजिन कर ही नहीं सका। मैंने उसको मेंटली गुड बाय कर दिया। तो फिर क्यों आई है वो यहाँ? क्यों आई है तुम्हारे पीछे तुम्हारी राहें खोटी करने? वो चाहती है जो मैंने उससे शादी का वादा किया मैं उसको पूरा करूं, वरना 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 क्या? वो मुझे नुकसान देगी। मुझ पे कोर्ट केस करेगी। Oh God.
मुझे उसके साथ अमेरिका जाना होगा। इस केस में 2-3 महीने लग सकते हैं। तब तक दुआ यही रहेगी पाकिस्तान में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। कौन? शिजा, हम पिछले 2 साल से साथ हैं। वो चाहती है जो मैंने उससे शादी का वादा किया मैं उसको पूरा करूं, वरना क्या? वरना वो मुझे नुकसान देगी। बेटा तुम कहाँ थे आज सारा दिन? मैं पूरा दिन तुम्हारा रास्ता देखती रही। बस हो, मैं अम्मा अब्बा और दयान के साथ थी। मेरे जाने के ख्याल से वो सब बहुत उदास हो रहे हैं, तो मैंने सोचा अच्छा सा वक्त गुजारूं उनके साथ। बस वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला मम्मी। तो आम मुस्तजाब तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर अमेरिका ले जा रहा है, तुम नहीं जाना चाहती ना, है ना? मम्मी आपने कहा था ना कि मुस्तजाब को हराना हो तो पहले खुद हार जाना, और मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपकी ये बात अपने उरूसी लिबास के पल्लू से बांध ली है। उरूसी जोड़ा तो कभी पुराना नहीं होता ना, उसे बंदी हर बात याद रहती है। Well, there's a good news for you. क्या? मुस्तजा आपके पास जाओ, he's waiting for you. अच्छा, मैं जाती हूँ। हेलो, तुम्हें पता है पूरा दिन कितनी मुश्किल से गुजारा है तुम्हारे बगैर मैंने। तुम्हें पता हो ही नहीं सकता, अगर पता होता तो आने में जल्दी करती। मैं इमाम साहब से मिलने गई थी, पर वहां से अम्मा की तरफ चली गई। ओके, पर मैंने तो पूछा ही नहीं तुम कहाँ थी, बस चेक किया कि हम साथ नहीं थे। अब तो हमेशा के लिए साथ ही हैं मुस्तजाब, लेकिन हमसे जुड़ा एक माजी भी तो है, और उस माजी से जुड़े कुछ लोग भी होते हैं। तो कैसी हुई मीटिंग? किससे? तुम्हारे मोस्ट फेवरेट इमाम साहब से। तो क्या मांगा आज अपने गॉड से? मम्मी बता रही थी कि मेरे लिए आपके पास कोई न्यूज है। दुआ। कहिए। मैं तुम्हें अपने साथ स्टेज नहीं लेके जा पाऊंगा। मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को फोन किया था और
आपने बताया सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल है और सॉर्ट आउट करने में कोई 2-3 महीने लग सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ इतना अरसा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन का ख्वाब भी पूरा हो सके। क्या बताऊँ, खुश नहीं हुए खबर सुन के? तुम यही तो चाहती थी। आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे मिस्टर राव, फिर ऐसा क्या हुआ कि तकदीर तकदीर पर गालिब आ गई? आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अल्लाह ताला से क्या मांगा। मैंने अल्लाह ताला से यही मांगा था कि अगर मेरे यहाँ रहने में बेहतरी है तो मेरे वहां ना जाने का कोई सबब बना दे। अब यकीन आया आपको? मुझे अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए किसी स्पोक्स पर्सन की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ दिल में सोचा था। वहां ने तो मेरे होंठों को छुआ तक नहीं था। देख लो दाई, दुआ की ताकत नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। मुस्तजाब ने मुझसे खुद कहा कि मैं कुछ अरसे पाकिस्तान में रह सकती हूँ, ये अकेले जा रहे हैं। मुस्तजाब कुछ ना खुश है दाई, लेकिन मैं खुश हूँ, बहुत खुश। आई भी मेरा मास्टर्स मुकम्मल करना, वो भी फर्स्ट पोजीशन के साथ, मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था। अब मुझे अपने ख्वाब की ताबीर मिलती नजर आ रही है। हाँ दुआ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्तजाब तो तुम्हें छोड़कर जाने पे बिल्कुल भी राजी नहीं था। सारे इंतजाम भी हो चुके थे, फिर ये अचानक ऐसे क्या हुआ? छोड़ो ना यार, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मैंने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे अमेरिका नहीं जाना, और अगले ही लम्हे मुझे मेरे दुआ की कबूलियत मिल गई। मुस्तजाब के दिल में क्या है मुझे से कोई सरोकार नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। चलो तुम तो खुश हो ना? हाँ ना, और क्या। अच्छा चलो, ओके बाय। क्या ठीक है? मेरी नमाज का टाइम हो गया। बॉबी, क्या तुमने उससे शादी कर ली थी? नहीं, हम सिर्फ दोस्त थे। एक दिन अपनी मां से खफा होकर मेरे घर, और कब हम लोग इतना करीब हो गए कि मुझे पता ही नहीं चला, जैसे कोई जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल होता। मुझे समझ आया कि सब कुछ भी तो उसकी चाल के सिवे किस्सा था। मेरे पाकिस्तान आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पीछे वो मेरे दोस्तों से भी रामते में रह रही थी। वही मैंने प्लान किया कि मैं उसको जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो फिर ऐसी क्या बात है कि वो तुम्हें धमकियां दे रही है? क्यों खराब कर रही है तुम्हारी रेपुटेशन? Sleep some more. Oh.
हाय। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने और कहां जाना था? वही जिसको पिछले 2 महीने से तुम बेवकूफ बना रही हो दोस्ती की, मैं इधर हूं। What's wrong with you, Bobby? तुमसे दिल का रिश्ता है मेरा। We just by the way friends. तुम किस बात पे गुस्सा हो रहे हो? हाँ, तुम्हारी कितनी फीमेल फ्रेंड्स है? Did I say anything to you? कभी एतराज किया मैंने? एतराज? तुम करोगी? तुम एतराज करोगी? जानती हो तुम कौन हो? थोड़े दिन पहले तक खाने को खाना नहीं था तुम्हारे पास, पहनने को ये कपड़े ये नहीं थे, सोने को बिस्तर नहीं था। एतराज तुम करोगी? तुमने भी तो कितना कुछ किया तुम्हारे लिए। हाँ, तुम जैसी लड़कियां ना एक वेइंग स्केल की तरह होती हो, जिस तरफ का बल लड़ा भारी उस तरफ गिर जाती हो। अब जाओ, जाके दोस्ती को मतलब कहीं और ढूंढो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से चली जाऊंगी? हाँ, मैं सोच चुका हूँ। तो मेरे लिए यहाँ से जा चुके हो। बॉबी, लिसन टू मी केयरफुली। आपने कहा था ना कि उससे शादी करोगे? हाँ, यू कांट डू दिस टू मी, राइट? राइट, या शादी तुमसे। एक वो लड़की जो 6 महीने साल से ज्यादा रिश्ता चला नहीं सकती, उससे मैं एक ऐसे रिश्ते की तवक्का रखूं जो उम्र भर चलाना होता है? यू थिंक आई एम अ फूल? मोहब्बत की थी तुमसे, टाइम पास किया ना मेरे साथ। याद रखना, ये टाइम पास बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें। कहती है कि वो पुलिस को एक नया बयान देगी जिसमें वो ये कहेगी कि वो पिल्स उसको मैंने दिए। My God! उसको मैंने मारने की कोशिश की है, जस्ट बिकॉज़ मैं ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। अब क्या होगा? Don't worry, mom. इसको डील करने में 2-3 महीने तो लगेंगे और मुझे वहां जाना होगा। You have to make sure आपको कुछ ना पता चले।
है।